तो गैस आज मैं आपको फोटो को गोरा बनाना सिखाऊंगा। और गैस आप यकीन नहीं करोगे, अगर ये वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे ना, बिल्कुल इस टाइप से ही फोटो को गोरा बना सकते हो, वो भी पिक्सार्ट ऐप के थ्रू। सो गैस आपको भी इस टाइप से ही गोरा बनाना है तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। तो चले गैस बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गैस यहाँ पे मैं ये फोटो को एडिटिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपकी जो फोटो को यहाँ पर आपको शेयर पर क्लिक करना है और पिक्सार्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो गैस पिक्सार्ट पर यहाँ पे मैं फोटो को इनपुट कर चुकी हूँ, यहाँ पर गैस देख सकते हो। तो फोटो यहाँ पर इनपुट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना है। तो गैस ये रहा टूल्स का ऑप्शन, सिंपल आपको टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एडजस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एडजस्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अभी आपको कैसे आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पर फोटो हमारी डार्क नजर आ रहा है, ज्यादा हाईलाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको शैडोज को प्लस करना है। तो शैडोज पर क्लिक करके आपको अमाउंट को आपको इंक्रीज कर लेना है, इंक्रीज आपको 100 रखना है। उसके बाद आपको हाईलाइट पर क्लिक करना है, हाईलाइट को भी आपको इंक्रीज कर लेना है, इंक्रीज आपको कितना रखना है, आपको 26 रखना है। उसके बाद आपको ऊपर चले जाना आपको यहाँ पर ब्राइटनेस टूल पर, तो ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करके ब्राइटनेस को भी आपको इंक्रीज कर लेना है, आपको 22 रखना है, प्लस 22 रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। तो गाइस बिफोर आफ्टर भी देख सकते हो कितना ज़्यादा डार्क था और कितना ज़्यादा वाइट हो चुकी है। तो अभी हमें और भी थोड़ा गोरा बनाना है, तो फेस को अभी गोरा बनाएंगे। तो गोरा बनाने के लिए अभी आपको इफेक्ट टूल पर क्लिक करना है। तो गाइस आपको इफेक्ट टूल पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले आपको सिंपल टूल पर क्लिक करना है। तो गाइस ये रहा सिंपल टूल, सिंपल आपको सिंपल टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस तरह से स्वाइप करके यहाँ पर गैस आपको सिफम इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो गैस ये रहा सिफम इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो फेडो को अराउंड आपको 50 के आसपास रखना है। तो यहाँ पर मैं 50 रखता हूँ और गैस आपको इरेज टूल पर क्लिक करना है। तो गैस ये रहा इरेज टूल, सिंपल आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इरेज टूल, सिंपल आपको इरेज टूल पर क्लिक करके इनवर्ट कर लेना है और रिस्टोर पर क्लिक करके हार्डनेस को रखना है आपको 40 के आसपास और साइज को रखना है आपको यहाँ पर 20 के आसपास। एंड गैस आपको इस तरह से जूम करके आपको फेस के ऊपर आपको इस तरह से अप्लाई करना है। तो गैस मेरी तरह ही आपको अप्लाई करना है। तो फेस को गोरा बनाने के लिए डार्क फेस को व्हाइट बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो व्हाइट इफेक्ट के ऊपर जो स्किन टोन का कलर इफेक्ट को चढ़ाएंगे, उसके बाद ही अच्छा लगेगा कलर इफेक्ट। तो इसलिए गैस आपको पहले आपको फेस को व्हाइट बनाना है। तो गैस यहाँ पर मैं जल्दी से व्हाइट बना देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसा और क्या करना है। तो गैस बहुत ही अच्छे से हमारी जो फेस व्हाइट हो चुकी है, अभी आपको डन करके बैक चलना है और यहाँ पर फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक करके जो फेड को थोड़ा कम कर देना है। तो कम आपको रखना है 70 के आसपास। एंड गैस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। तो गैस बिफोर आफ्टर भी देख सकते हो, ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। तो अभी हमें क्या करना है, स्किन टोन कलर को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको रिटच टूल पर चलना है। तो यहाँ पर आपको रिटच टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्किन टोन इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो गैस ये रहा स्किन टोन इफेक्ट, सिंपल आपको स्किन टोन इफेक्ट पर क्लिक करके कौन सी कलर को लेना है आपको दिखा देता हूँ, मार्क करके दिखा देता हूँ। ये पहला वाला कलर को ले जाना है, ये फास्ट वाला कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको ऑटो में नहीं करना है, आपको मैनुअली आपको सेटिंग को एडजस्ट करना है। तो मैनुअली आपको क्लिक करके आपको हार्डनेस को रखना है 0 और ओपेसिटी रखना है 100 और साइज को रखना है आपको 30 के आसपास। तो यहाँ पर मैं 30 के आसपास ही रखता हूँ। तो गैस अभी आपको ये इफेक्ट को फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो गैस यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। सिंपल आपको इस तरह से फेस स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। तो गैस यहाँ पर मैं साइज को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं साइज को थोड़ा प्लस कर दूंगा और गैस इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो गैस आपको हेयर एरिया को छोड़ देना है, सिर्फ आपको स्किन के ऊपर ही अप्लाई करना है। तो गैस यहाँ पर मैं जल्दी से अप्लाई कर लेता हूँ। सो गैस यहाँ पर मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ, अभी आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है और यहाँ पर बिफोर आफ्टर भी देख सकते हो, ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पर इसी टूल पर इतना गोरा हो चुकी है, अभी आपको फिर से यहाँ पर डन करके दिखा देता हूँ, ये रहा बिफोर आफ्टर देख सकते हो, इतना अच्छी तरह से गोरा हो चुकी है। लेकिन गैस और भी थोड़ा अच्छी तरह से गोरा बनाएंगे तो आगे सब कुछ बताऊंगा। अभी हमें फेस को स्मूथ बनाएगा पहले, तो स्मूथ टूल पर क्लिक करना है। तो गैस ये रहा स्मूथ टूल, सिंपल आपको स्मूथ टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको मैनुअली आपको स्मूथ बनाना है। तो क्या करना है, आपको हार्डनेस को कम कर देना है, ओपेसिटी को 100 करके हार्डनेस को 0 कर देना है और साइज को आपको 30 के आसपास रख कर आपको इस तरह से जूम करना है। जूम करके आपको कैसे आपको ड्रॉ करना है, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरह से ड्रॉ करके आपको छोड़ देना है, अपने आप स्मूथ हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से ड्रॉ करके स्मूथ बना देता हूँ। सो गाइस आपको ऐसे ड्रॉ करके स्मूथ बना लेना है और यहाँ पर डन करके बैक चलना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्किन टोन नजर आया है आपको फिर से आपको स्किन टोन पर क्लिक करना है। तो स्किन टोन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक करना है। तो गैस आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये रहा कलर का ऑप्शन, सिंपल आपको कलर टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको रेड कलर को सिलेक्ट करना है। तो रेड कलर ले जाता हूँ और यहाँ पर डन करके यहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्ट करना है। तो ब्रश पर क्लिक करके ओपेसिटी को 40 के आसपास रखना है, हार्डनेस को कम करना है और साइज को 9 के आसपास रख करके अभी आपको इस तरह से जूम करके आपको क्या करना है, लिप्स के ऊपर आपको इस तरह से ड्रॉ मारना है। लिप्स को हल्का सा रेड करना था इसलिए गैस यहाँ पर रेड कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, आपको भी इस स्टेप से करना है। एंड गैस आपको क्या करना है, अमाउंट को थोड़ा कम करना है, अमाउंट को आपको रखना है 30 के आसपास। तो यहाँ पर मैं 50 रखता हूँ,
तो हल्का सा कम करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं हल्का सा कम कर देता हूँ, 40-30 के आसपास रख लेना है। तो गाइस यहाँ पर मैं 35 रखता हूँ एंड आपको डन करके बैग चलना है। सो गाइस अभी आपको फिर से आपको यहाँ पर डन करके बैग चलना है। तो गाइस यहाँ पर बिफोर आफ्टर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से हो चुकी है। लेकिन गाइस लाइट रूम पर जो काम होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, इसलिए गाइस आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, आपको एड फोटो चलना है। तो एड फोटो जा करके यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। तो ये बैकग्राउंड आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सब कुछ पेज आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल आपको इस तरह से फुल स्क्रीन करना है। तो बैकग्राउंड को यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे और क्या करना है। तो सिंपल आपको इस तरह से फुल स्क्रीन करना है और यहाँ पर आपको इरेज टूल पर क्लिक करना है। तो गाइस ये रहा इरेज टूल, सिंपल आपको इरेज टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करके आपको रिस्टोर पर क्लिक करके हार्डनेस को रखना है आपको 95 रखना है और यहाँ पर आपको साइज को कम करके आपको 30 के आसपास रख करके इस तरह से जूम करना है। जूम करके आपको इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, बैकग्राउंड के ऊपर ही ड्रॉ करना है, मॉडल के ऊपर नहीं ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ड्रॉ करके आपको फुली बैकग्राउंड के ऊपर आपको इस तरह से फिल करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो गाइस बहुत ही अच्छी तरह से ड्रॉ हो चुकी है। अभी गाइस आपको यहाँ पर डन करके बैग चलना है। तो डन करके बैग चलता हूँ और यहाँ पर आपको फिर से आपको यहाँ पर डन करना है। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, फिर से आपको एड फोटो चलना है। तो गाइस यहाँ पर मैं एड फोटो चलता हूँ, एड फोटो जा करके यहाँ पर आपको हेयर पीएनज को लाना है। तो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको 4-5 हेयर पीएनज दे दूंगा, आप इजीली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये हेयर पीएनज को लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं हेड के ऊपर एडजस्ट कर दूंगा। तो गाइस आपको हल्का सा बड़ा करके हेयर पीएनज को आपको हेड के ऊपर फीड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ठीक से फीड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इरेज पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेता हूँ। तो गैस यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट इरेज हो चुकी है। अब गैस आपको डन करके बैग चलाएं और यहाँ पर फिर से आपको डन करके बैग चलाएं। तो गैस पिक्सार्ट में जितना काम था यहाँ पर हो चुकी है। अभी गैस जो भी कुछ होगा लाइट रूम पर होगा, तो ये इमेज को सेव कर देना है, उसके बाद लाइट रूम पर इनपुट कर देना है कलर कर्सन के लिए। ओके सो गैस यहाँ पर लाइट रूम पर पिक इनपुट हो चुकी है। लेकिन गैस आपको पिक इनपुट करने से पहले आपको प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। तो ये प्रीसेट को डाउनलोड करके आपको कैसे यूज करना है आपको बता दूंगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। तो गैस ये रहा 3 डॉट, सिंपल आपको 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कॉपी सेटिंग करना है। तो गैस ये रहा कॉपी सेटिंग का ऑप्शन, सिंपल आपको कॉपी सेटिंग करना है। कॉपी सेटिंग करके आपको राइट पर क्लिक करके आपको ओरिजिनल फोटो को ओपन करना है, जो आपने पिक्सार्ट पर एडिट किया था उसी फोटो को ओपन करके आपको पेस्ट सेटिंग करना है। तो ये रहा पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन, सिंपल आपको पेस्ट सेटिंग करना है। तो पेस्ट सेटिंग करने के बाद देख सकते हो गैस बहुत ही अच्छी तरह से एडिटिंग हो चुकी है, बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही अच्छी तरह से एडिटिंग हो चुकी है, एकदम गाइस नेक्स्ट लेवल का एडिटिंग लग रहा है। तो फेस बहुत ही अच्छी तरह से गोरा हो चुकी है। सो गाइस आई होप आपको एडिटिंग अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चले गाइस मिलते हैं अगले किस वीडियो में।